जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये जापान की गलियाँ आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं एक मार्केट में, लेकिन इन गलियों से होके ना हम जा रहे हैं। ये देखिए जी, इतनी खूबसूरत गली और इतना प्यारा सा घर। इसके आगे देखिए पार्किंग, ये जनाब जापान की गलियाँ हैं। साथ में ये नहर और ये देखें जी, एक मार्केट है यहाँ पे सेकंड स्ट्रीट, उधर जा रहे हैं। उधर की भी हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या आइटम मिलते हैं यूज और नहीं, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा क्या सिस्टम है। सुने हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है, तो हम जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये देखें, ये यहाँ की स्ट्रीट इतनी प्यारी स्ट्रीट, साफ़ सुथरी स्ट्रीट, कोई कचरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, बेहतरीन सा साफ सुथरा सा। ये कोई ऑफिस है या पता नहीं क्या, क्या बैठा था ग्रुप विजन सैलून टाइप। यहाँ पे हर बिल्डिंग के सामने पार्किंग बनाई हुई होती है, ये पार्किंग है आपको नज़र आ रही है। और ये नहर है, आगे मज़दा का शोरूम है, तो ये देखें जी गली जापान की स्ट्रीट्स, बड़ी प्यारी सी साफ सुथरी स्ट्रीट्स है। और आगे है ये कोई बिल्डिंग है, पता नहीं क्या जापानीज में लिखा हुआ है, साथ में ये वेंडिंग मशीन है। तो आगे जाके हम सेकंड स्ट्रीट पे हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या है। फिलहाल इजाज़त दें आप जी, हम रेस्टोरेंट से अभी पाए हुए हैं, कहाँ कॉफ़ी पी के जूस पी के सारा करके हम जा रहे हैं बस की तरफ। ये जनाब ये इनकी गलियाँ हैं, और ये आप देख रहे हैं इनका पार्किंग लॉट। ये जी 600 येन लेते हैं, 12 गेंदा 600 येन लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो पार्किंग का यहाँ पे सच कोई आप रोड पे नहीं खड़ी कर सकते, कोई गाड़ी है इवन जो साइकिल हैं साइकिल के लिए भी यहाँ पे लॉट बने हुए हैं, वहाँ पे आप खड़ी करेंगे। तो ये इनकी स्ट्रीट्स हैं, ये मेन जो यहाँ पे टाउन है उसकी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये साइड में वाले वो ये होटल हैं छोटे छोटे, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये होटल है। और यहाँ पे इस टाइम आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो टूरिस्ट यहाँ पे फिर रहे हैं, लेकिन लोकल लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं, कोई इस तरह रोडों पर नहीं आपको नजर आएंगे। आज तो फिर मंडे, लेकिन संडे को भी आपको नजर नहीं आएंगे कोई भी यहाँ। तो मौसम आज बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बादल आए हुए हैं, बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन मौसम में होगी तो नहीं होगी पर ये देखिए साफ सुथरा। और सामने आपको वेंडिंग मशीन भी नज़र आ रही है, ये वेंडिंग मशीन आपको यहाँ पे जापान में हर जगह नज़र आ रही है। और इधर तो खैर मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की देखती हूँ, कोल्ड टी, कोल्ड काफ़ी और ये बाकी ड्रिंक्स जो होती हैं, लेकिन टोक्यो में आपको हर किस्म की वैरायटी नज़र आएगी वेंडिंग मशीन की। इवन आपको सिगरेट भी नज़र आएंगे, सिगरेट की वेंडिंग मशीन, वाइन की वेंडिंग मशीन, हर चीज़ की आपको नज़र आएगी वहाँ पे, बहुत वैरायटी है। यहाँ पे मैंने देखी है हिरोशिमा में, इधर सिर्फ ड्रिंक्स यानी ये जो पानी जूस कोल्ड ड्रिंक कोक्स फांटा इनकी बताई जा रही है। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश को भी साथ साथ में इंजॉय करते हैं। तो थोड़ी देर तक हम निकल रहे हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।